बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मैं सब बहनें और भाई खैरियत से होंगे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करना है। तो माशाल्लाह से अभी सुबह का टाइम है, सुहाना और अम्मी और मैं जो अभी रोटियाँ लगा रहे हैं इधर, क्योंकि अभी नाश्ता भी बनाना है और नाश्ते से पहले जो अभी चाय बनानी है। तो रात से जो है सुहेल भाई आए हुए थे, लेकिन पूरी रात जो है खूब बातें हुई, गपशप हुई, लेकिन थोड़ा मूड ऑफ था और परेशान भी लग रहे थे। लेकिन मैं रात पूछती रही, उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन अभी जाकर उनसे पूछती हूँ। तो व्यूअर्स से भी शेयर करते हैं कि क्या ऐसी बात हुई है घर से, जब कोई ऐसा हुआ है। तो वो मियाँ के साथ कह रहे थे कि मैंने जाना है, उसको भी कोई काम है, तो पहले उसको नाश्ता भी बना के दे देती हूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं? सुहाना को देखे ना, इधर ये छड़ी जो है लेकर इधर रख देगी ना, मैं तो आग में मैंने अभी ये साफ कर लिया है भाभी, मैं इसमें रख दूंगी ये। इधर हमारे गाँव में हम घास बनाने जाते हैं तो वहीं से जो है ले आते हैं। बस अम्मी के साथ अभी लगा ले। कुछ पड़ा है रात की सब्जी? अम्मी रात फ्रिज में मैंने सारा रखा, पानी पानी चाहिए। जो रात जो आपके भाई ने नहीं खाया था ना, वो पड़ा था फ्रिज में। चले अभी कुछ और भी बना लेंगे, वो सारा चलो जो ये है वाला। चलो चले अभी रोटी लगा लें, चाय बना लेंगे ना, उसके बाद खाना भी बना लेंगे सुबह का ना। चलो ये जब रोटियां लग जाएंगी फिर मैंने रख दूंगी। उन्हें भा बाल चाचा सोना ही देगा ते भाई बुझ ओ तुलाई दिखा। चलो ये बड़ा लगा ले बस। चलो मैं कर दूंगी कितना और बते बुझ दी। हां तो कोई चीज बेचे तनूरा खाते हां जब रोटी लागनो ता मुक दा मुक दा ने जरना है क्यों दही बाल चतुर और सियाला दा पेदा वाले। हुन सर्दी आंदी है तहु सर्दी शुरू थी ना, तवे दे नाश्ता तवे दे पके। सोना आग जला लो, मैं अभी दूध भी लेकर आती हूँ, चाय भी बना लेते हैं। बस सीटी बने चाहा वो चाय बना। माशाल्लाह से भी चाय भी तैयार हो गया। इधर सुहाना जो है छली जो है भून रही है, मैंने कहा इसको अच्छी तरीके से भून ले। बस मैंने इसको गर्मी भी आज है ना भाभी। हाँ धूप है, वैसे हम आग पे बैठे हैं ना, हमें गर्मी ज्यादा लग गई है। हाँ ये तो है, क्योंकि रात हल्की ठंड थी ना, आज दिन को यह थोड़ी धूप बहुत ही है। चले मैं इस पे नमक को निभोया लगा के आती हूँ। निभोया इधर पड़ा है सोना, बस इधर रख दो, वो नमक भी रख देने हैं बस। ठीक है फिर जल जाएगी ना। चले उनकी मर्जी, जैसे भी खा लेंगे, नमक भी दे देंगे उनको। चले ले ले आई हैं। नाश्ता तो हम फिर उधर ही जाके करेंगे, क्योंकि लेट हो गया ना, बस चाय दे दे। मैं आपके लिए चिली बन गया इस गर्म चिली चली गर्म करके आई हूँ ना ये चाय। चिली नहीं होती, चली होती है। चंदन ने ठीक चले भाई, रात को आपने नहीं बताया, मैंने कहा सेल भाई का थोड़ा मूड ऑफ है तो सो गए थे, लेकिन अभी बताए ना क्या बात हुई घर में, तो कैसी बात हुई है क्या? नहीं नहीं कोई मसला नहीं, कोई परेशानी है तो बता दे, ऊपर से पंखा हिल रहा है वो ना हो तो देखना। अगर इसने कोई ज्यादा परेशानी बताए ना वो नीचे आ जाएगा। परेशानी नहीं, कोई मसला है व्यस का। रात ये जब आके मुझे मिला था ना, पहले जैसे आके मिलता था ना, पहले ऐसे क्लोज हो जाता था, लेकिन अभी ये मिला है ना थोड़ा सा पीछे था। मैंने कहा भाई कोई बात है तो आप मुझे बताएं, उदास लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं कि क्या बात है अदनान भाई किधर ही है अभी।
हर जगह के व्यस्त मसले सॉल्व करते हैं, अपनों में अगर अपने ना मसले सॉल्व करें तो फिर अपने किस बात के। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यस्त, तो कैसे हैं आप सब। तो अभी माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है, तो आपका भाई रेडी होके बैठा हुआ है, तो आज जा रहे हैं जी काम पे। तो पूछते हैं सुहेल भाई ने, मुझे तो खैर बताया था लेकिन अपनी बहन को इसने नहीं बताया। आप भी जा रहे हैं ना सुहेल भाई, काम पे जा रहे हैं। तो सुहेल भाई आए हैं काम के लिए, फिर काम ढूंढते हैं। ठीक है, अच्छा फैसला लिया है, काम करना चाहिए इंसान को। आप भी कोशिश किया करें घर वेले ना रहा करें, वेले रहने से एक तो बंदा बोर हो जाता है, दूसरा कुछ होता नहीं है मुस्तकबिल बनाने के लिए, कुछ ना कुछ करना होता है। चले अभी चाय पी ले, नाश्ता कर ले, उसके बाद चले जाना। हाँ, तो अभी मैं जहाँ काम करता हूँ, जहाँ रेस्टोरेंट पे काम करता हूँ, आज सुहेल भाई को वहाँ लेके जाऊंगा, उधर से पता करते हैं, इनकी सीवी दिखाते हैं, क्वालिफिकेशन वो देखेंगे, टेस्ट करेंगे, जैसा भी होगा इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो आप भी दुआ करेंगे, काम अच्छे से मिल जाए, काम साथ में हो जाएंगे, फिर दो हो जाएंगे, गपशप भी होती रहेगी, काम भी चलता रहेगा। ठीक है ना, तो आप व्यूअर्स को भी दिखाऊंगा कि मैं कहाँ काम करता हूँ। आप भी पूछते रहते हैं कि कभी आपने अपने रेस्टोरेंट का भी सर्विस कराया, तो इसी बहाने आज आपने बता देना बस। हाँ बस, अभी हल्का सा नाश्ता वगैरह चाय पी के जा रहे हैं, बातें हम कर रहे हैं आप उसके साथ सुहाना। देखो इधर बड़े बातें कर रहे हैं आप, इतने तीन चार बड़े हम नजर नहीं आ रहे हैं, नजर तो आ रहे हैं नजर आ रहे हैं बस, फिर भी आधे पीने के साथ लगी हुई है। आप मेरे साथ बात तो नहीं कह रहे ना। हाँ वो भी जो है ना बोर हो रहा है ना साथ में, इसलिए तो चलते हैं मैं उधर, देखते हैं आपको जो है ना अपना होटल भी दिखाता हूँ। आधे बेटा कुछ लेगा है, पीस ले आना। ये क्या है आधे बेटा, खानी है नहीं खाता भाई को देना दौर है। ये हमारे गांव में व्यवस्था सर, मैं आपको पता है कि हमारे गांव में इधर घास बनाने अम्मी लोग खोसिया सुहाना जाती है ना व्यस, तो मकाई जो है हमारे इधर जमीनों में आपको पता है गांव में ज्यादातर हर चीज गांव में उगती है, कोई भी चीज हो, गंदम हो चाहे कपास हो। ठीक है, तो ये मकाई भी इधर जो है ना उगी हुई है। ठीक है, अभी मकाई का मौसम है ना, ठंड चल रही है। तो वैसे अभी माशाल्लाह हम आ गए हैं जी KFC में। ठीक है, सुबह से निकले हुए हैं माशाल्लाह, तीन चार रेस्टोरेंट जो भी है ना हमारे बावलपुर सिटी के सारे विजिट कर लिए हैं, सुहेल भाई का काम का पता किया है। इंशाल्लाह जहाँ से भी कॉल आ गई ना तो अच्छा ही होगा। अभी फिर वक्त तो हर बंदे ने यही कहा है कि हमें जो है ना ज़रूरत नहीं है काम में लड़के की, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अगर कहीं भी ना लगा काम ना, तो जहाँ मैं काम करता हूँ इंशाल्लाह वहाँ काम ज़रूर मिल जाएगा। बस सुहेल भाई सुबह से परेशान है, मैंने कहा परेशान ना हो, उदास उदास लग रहे हैं। ठीक है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अभी हम इधर चलते हैं ना, अजाने भी हो रही है, जुहर की अजान भी हो रही है, तो व्यस अभी इधर जा चल के पता करते हैं कि KFC में इंशाल्लाह अगर इधर इनको भी ज़रूरत हुई तो ये भी बता देंगे काम में किसी वर्कर की ज़रूरत होगी तो हैं। इधर सैलरी वगैरह अच्छी होती है दूसरी, इंशाल्लाह अभी चल के पता करते हैं ना, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अगर कहीं भी ना मिला ना व्यस, कहीं भी ना मिला जहाँ मैं काम करता हूँ उधर, तो मैंने खसूसी भाई को कहा है कि प्लीज़ आप जो है ना ऐसा समझ लें मेरा कज़न है, मेरा रिश्तेदार है, आप ज़रूर जो है वहाँ जगह आप लोगों ने बनानी है, तो उधर इंशाल्लाह बन जाएगी जगह। और कहीं भी ना बनी तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तभी माशाल्लाह आ गए अंदर। तो ये रख दें जो भी चीज़ है, ये क्या है, हाँ ये हमने उधर से भी कपड़े इसके उठा के लिए हुए हैं कि कहीं काम मिल जाए तो इसको बस उधर लगा दें, कपड़े भी घर से लेके आए हैं। हाँ
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कौन है भाई, मैनेजर भाई कौन है? मैनेजर काउंटर पे चले हैं। किस काउंटर पे? किस काउंटर पे? अच्छा चले आए, नहीं काउंटर पे पता करते हैं। ये सब्जी है। अच्छा हाँ, आज एक घंटा लेट हूँ मुझे लगता है। हाँ उनको बस सारा दिन, आज सुबह मैं गया था पहले अपने रेस्टोरेंट, क्या बना उनके काम का, उनको पहले जाके मैंने अपने जो मैं जहाँ काम करता हूँ उधर मैंने भाई को अपने मैनेजर को सब काफी दिनों से उधर काम कर रहा हूँ, सब भी मेरे जो है ना एतबार बना हुआ है। तो इंशाल्लाह अच्छी खबर होगी, फिलहाल तो उन्होंने कहा कि हम आपको बताएंगे क्योंकि फौरी तौर तो अभी कोई भी नहीं, आपको पता है कि रखता ना। अच्छा भाई का इसको फिक्र है, देखे मियाँ की कोई फिक्र नहीं है, मियाँ जो गए हैं मियाँ आए, मियाँ का नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, आपकी आपको कोई मसला तो नहीं है, आप जो काम करते हैं कभी कोई परेशानी तो नहीं हुई कभी? आप बताएं मुझे, कभी आपके सामने इसने पूछा है? रोज आपसे पूछती हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं पूछा, मेरी तरफ से वो कह रहे ना, मैं कुछ भी नहीं कह, मैं आपको गलत थोड़ी कर रहा हूँ कि व्यास के सामने मैं आपको गलत कर रहा हूँ। क्या हाल है माँ? चले ये सब्जी, सब्जी को छोड़े बना लेना, ये रख ले, प्लेटें ले आए, सोना प्लेट में जल्दी है। ये मैंने खुद तो नहीं बनाया क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में होता है ना वो दूसरा होता है पिज्जा वगैरह होता है, बर्गर पिज्जा वगैरह और बाकी चीजें होती हैं, विंग्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये बर्गर वगैरह हम दूसरे बर्गर रखते हैं, ये नहीं होते। ये इन्होंने कहा था लेकिन मैंने कहा चलो मैं ले आऊंगा, ये रहते के लिए ले आए कुछ, इधर निकाल लें। अम्मी आ बनो एवल ठहर वे सन, पहले काफी सफर दुआया मैं खड़े बुटे सन, आधी को मैं गुडे सर तू संभाव खा दियो, एक मिनट इडो वाला तू खा दी हैं, आप खाते हैं? मैं खा दी तो कहने में था लेकिन मैं ये नहीं खाता, मैं रोजाना एक एक चीज आई और मैं खा के ना व्यस्त क्योंकि तक पता है मैं बोर थी, मैं शाम को सिर्फ सब्जी खाना तो सामने सो मैं उधर काम करे ना, लेकिन मैं यो से मैं चीजें क्या नहीं खाता, मैं परहेज करे ना व्यस्त, पहले भी ये बर्गर वगैरह थे एडू जा पिज्जा वगैरह खा के ना शाही पिज्जा फलाना पिज्जा हालत देखगी ना मेरी। अच्छा एक भाई था ना, पता नहीं एक भाई है या सिस्टर है, उनका कमेंट आया भी है कि अदनान भाई तेरा पेट लाना है, कोई ना मेरा पेट कहने लाना भी है भाई साहब, ठीक है मेरा पेट सही है, मेरी दिल आदत है मैं जल्द खड़ता ना मैंने यही कर खड़ता वाल तू सा सोचे भी जाए तो मेरा शाही पेट निकला पेट खाने से ऐसा हो भी जाता है। नहीं इतना भी नहीं है मैं बस आपको शायद लग रहा हूँ, कभी आप मुझे फेस टू फेस देखेंगे ना तो आपको फिर लगेगा कैसे मैं गबरू जवान हैंडसम बच्चा आपको लगेगा। ये तो आप वीडियो में देखते हैं इसलिए आपको शायद महसूस होता है कि कुछ है। हाँ। मक्खियाँ बहुत हैं, मक्खियाँ एक बंदा मक्खियाँ ऊपर से हिला के खाना है। हाँ। मक्खियों का कोई भरोसा, हाँ भाई टेस्ट ना आए तो आप मुझे कहना कि टेस्ट नहीं आ रहा। आधी बेटे को बिठा दे वो अभी खा लेगा। तो सब्जी में आलू नहीं होता ना? खाओ मुझे दो आधी बेटे को, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चले आप खा ले, खाएं। आपने उधर से क्या खाया? निकाले मैं आपको खिला देता हूँ अपने हाथों से खिला। ये वेज असल में पता क्यूँ बैठी थी, ये इसी इंतजार में थी कि मियाँ कहीं से जो है ना अपने हाथों से, कहती नहीं है कि बता दो चलो अम्मी बैठी नहीं, है नहीं, तो मैंने कहा आप पहले खा लेंगे, अम्मी साइड पे बैठी है, क्या होता है अम्मी बैठी है, चले इधर दे दे मैं खुद खा लूंगी। ये तो एक देखिए मोहब्बत और प्यार की बात, मैं खिला देता हूँ नहीं खाए बिस्कुट, देखे ना मियाँ के हाथ से खाएंगे ना बेशक टेस्ट नहीं भी होगा ना टेस्ट आ जाएगा, ये बात दे तो कोई बात नहीं, अभी देख ले मैं इतनी प्यार से खिला रहा हूँ आगे से नखरे कर रही है, ठीक है कोई बात नहीं मैं वैसे कर, चले खा ले। अम्मी की में बनाया है बहुत ही मजेदार है, सही बढ़िया सही है ना, गरम गरम है ना अच्छा लग रहा है। तो रोजाना व्यस्त फ्रूट वगैरह लेके आता हूँ, ठीक है कभी केले ले, केले तो हर डेली केले डेली डेली रूटीन पे केले व्यस्त लेके आता हूँ। तो आज सुबह जी इन्होंने कहा था कि हमें फ्रूट कोई भी ना लेके आना कुछ और लेके आना, तो मैंने कहा ये बर्गर ही बनवा लेता हूँ इनके लिए आज। हाँ यार वो सब फ्रूट ले आते हैं ना। हाँ इसको ना ब्रेड देना बीच बीच में, ना 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 दे
ये लो बेटा। खुश हो गया है, खुश हो गया है, खुश हो गया है आदि बेटा। हाँ ये ब्रेड खाएगा ना, ये पीस कितना होता है ना।